हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। नाउ एट्थ स्टैंडर्ड साइंस में हमारा जो लेवल लेसन है उसी का ही आज हम जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो जो होता है, सेकंड वीडियो जो होता है वो कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 11, फोर्स एंड द प्रेशर। अब तक हम लोगों ने देखा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश और पुल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, या जिस वजह से वो पुश और पुल हो रहा है उसको हम कहेंगे फोर्स। ओके, फोर्स होता है, हमने देखा था कि बैलेंस और अनबैलेंस दो तरीके के फोर्स होते हैं कि का, और वो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने उसके आपने बहुत सारे एग्जांपल भी उसके लिए बताए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि हमारे जो होते हैं कहाँ कहाँ पर हम फोर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर रेस्टिंग स्टेज में है तो मूव कराने के लिए, मूविंग स्टेज में है तो रेस्ट कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए हम जो है वो फोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा जो होता है वो कभी कभी आपको उन्होंने देखा होगा कि फोर्स लगा करके हम जो है बहुत सारी अपने जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं, तेज जंप हम कर सकते हैं, हम फोर्स लगा करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉल फेंका तो मैंने अपना अपना फोर्स लगाया और सामने वाले ने बैट से उसको मार दिया, हिट कर दिया, क्योंकि उसने अपना फोर्स लगा करके उस मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हम फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स के बहुत सारे फायदे हैं। तो अब ये फोर्स होता है वो कितनी तरह का होता है आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला वाला टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स होता है ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को जब आप पास में लेकर के आओगे और वो एक दूसरे को टच करेंगे तो उसके थ्रू लगाया गया एक दूसरे पर फोर्स, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स भी हो सकता है और फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मस्कुलर फोर्स कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने जो है वो बहुत सारा सामान है और एक बैलगाड़ी में या कार्ट में भर लिया। ठीक है, अब वहाँ पर मैंने किसी भी एनिमल को उससे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में मैंने कहा कि भाई उसको हिट किया और हिट करने के बाद में उसे कहा कि सेम डायरेक्शन में आगे साइड में बढ़ते चले जाओ। ठीक है, और अपनी कार्ड को जो होता है वो एनिमल को थोड़ा हाँकते हुए उसको थोड़ा सा जो है पुश करते हुए मैंने अपने पूरे जो सामान को वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पुश करते करते हुए ले ली गई। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि आपने जो होता है वो एनिमल का मस्कुलर फोर्स यूज करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया। तो दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। सेम टू सेम जब आपने देखा होगा कि आप बॉक्सिंग करते हो तो बॉक्सिंग में क्या होता है, अपना जो पंच होता है उसको दूसरे के ऊपर जो होता है वो हिट करते हो, तो आपका मान लीजिए आपका तरीका डायरेक्शन और लगाया गया फोर्स होता है वो अच्छा होता है, इक्वल होता है, आपका जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो सामने वाला तुरंत के तुरंत गिर जाएगा, है कि नहीं है। तो ये भी मस्कुलर फोर्स है। फाइटिंग में ज़्यादातर हम मस्कुलर फोर्स ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक और, जैसे कभी कभी हम लोग पंजा लड़ाते हैं तो पंजे में देखा होगा कि अगर हमने जो होता है वो सही डायरेक्शन में जो होता है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाया होता है और अपना स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाया होता है तो हम जीत जाते हैं और सामने वाला हार जाता है। तो वहाँ पर भी हमारा मस्कुलर फोर्स ही काम होता है। अब आता है दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है फ्रिक्शन फोर्स भी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी हम पर और हम उस पर दोनों एक दूसरे पर जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे चलते आ रहे हैं वैसे वैसे लगाते जा रहे हैं। अब हमारा फोर्स और उसका फोर्स न्यूट्रल होता है तो हम आराम से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, घूम पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जैसे मान लीजिए जो सरफेस है वो चिकना हो गया है या मान लीजिए ऑयल गिर गया है या पानी गिर गया है और जिसकी वजह से हमारे बराबर का जो वेट है जो अर्थ को लगाना चाहिए वहाँ से थोड़ी कमी आ गई और कमी आने की वजह से क्या होगा, बैलेंस दोनों का जीरो नहीं हो पाएगा और जीरो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे पर बिल्कुल पास पास में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करके टच करके जो होता है वो एक दूसरे पर लगाएंगे और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, अगर बैलेंस होगा तो सब कुछ मूव करता रहेगा आराम से जो होता है स्मूथ
उसका एक और एग्जांपल दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, पेज पे मुझे लिखना है, तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, मान लीजिए ये पेज है और इस पेज पर मुझे लिखना है, तो मैं अपने पेन से इस पेज पर और ये पेज होता है मेरे पेन के पॉइंट पर दोनों तरफ, ये वाला ऊपर की तरफ और ये वाला नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स को ही हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ही हम अपना हैंड राइटिंग अच्छा सा कर पाते हैं, लिख पाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ज़्यादातर अर्थ पर जब हम चलते हैं, कारें चलती हैं, साइकिल चल रही है, मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमारे बराबर के वेट का जो फोर्स है वो हम अर्थ पर और अर्थ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर लगा रही होती है, दोनों साइड में से जिस तरफ भी अगर ज़्यादा फोर्स होता है तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स के अलावा ये तो हो गए हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जो एक दूसरे को बिना टच करे नहीं लगाए जा सकते हैं, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के टच में या एक दूसरे को पुश या पुल करेंगे तब लगाए गए फोर्सेज हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। इसके अलावा अब आते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स मतलब बिना छुए लेकिन फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, बिना छुए जो होता है जैसे साइकोलॉजिकल होते हैं ना कि जैसे मम्मी जो होती है मैं मारूंगी तो बच्चा डर जाता है, तो ऐसे ही वो साइकोलॉजिकल फोर्स है, तो उसी टाइप के ही जो होते हैं साइंस में भी फोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हमारे जो होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स हैं, मतलब आप एक दूसरे में टच आने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट्स होती है उसमें एक अपनी एक पावर होती है कि वो मेटल की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में ये मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट में जो होता है वो एक साइड में एल लिखा होता है, एक साइड में एस लिखा होता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो तो आप क्या करो, आप इसे थ्रेड से बांधो और लटका दो, तो दोनों जो होता है जो इसका पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुके वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, उसको आप लिख सकते हो अपना, और जो साउथ में रुकेगा वो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करने का है, ये जो होता है इसका पहली बार तो ध्यान रखने का कि इसका मेन काम होता है कि आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का या उनको पकड़ने का काम होता है, ठीक है, ये मैग्नेट का मेन काम फंक्शन होता है। अब इनके पोल होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि एस और एन होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। मान लीजिए दो मैग्नेट लिया मैंने और दोनों मैग्नेट को जो है वो अगर ये भी एन है और ये एस है, एन को लेके आऊंगी ना तो ये लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे एक दूसरे के दुश्मन, ठीक है, और अगर एन एस को मैं साथ में लेके आऊंगी तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा और ये रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो होता है मैग्नेट क्या करती है, पहली बात तो ध्यान रखना मैग्नेट होते हैं वो मेटल से बनी हुई जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब वो चिपकाती है तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसको फोर्स भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैग्नेट मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नेट की को अपने जो चिपकाने की जो प्रोसेस है या ये जो शक्ति है उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेट में ये काम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल होगा। पोल कौन कौन से होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर दो अपोजिट पोल आपस में मिलते हैं तो ये अपने आप को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम टाइप के मिलेंगे तो रिपेल करेंगे। आप चाहो तो आप स्टेशनरी पर अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स मिलते होते हैं, आप ला करके घर में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, एक मैग्नेट को थ्रेड से लटका दो और दूसरा मैग्नेट के दोनों साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके पास बारी बारी से जो है लेकर के जाओ, तो पता चल जाएगा कि वो रिपेल कौन सा कर रहा है और अट्रैक्ट कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरा फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स होता है कि कभी कभी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें अपने आप चार्ज आ रहा है, और चार्ज आने की वजह से वो लाइट में मैग्नेट वर्क करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉम को जो है वो गीले गीले सूखे हुए बाल होते हैं, सूखे हुए बाल में जब बिना ऑयल हो गीले ना हो, तो सूखे जो होते हैं हेयर में जो होता है थोड़ी देर तक रब करोगे, और रब करने के बाद में जो है जैसे कागज़ के थोड़े टुकड़े कर लेना और टुकड़े करने के पास में उनके पास लेके जाओगे तो देखोगे कि वो फटाक से ना चिपक जाएंगे। तो क्यों चिपके, उसका एक रीज़न ये है कि जब आप उसे रब कर रहे थे
में गए तो उसके पास में अपोजिट चार्ज मिला, तो अपोजिट चार्ज अभी मैंने बताया था कि अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो चिपक गया। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लास्टिक चेयर पर हम लोग जब बैठे होते हैं तो अचानक ही कोई टॉवल से जो होते हैं, जो सॉफ्ट वाली टॉवल्स होती हैं, अच्छी वाली टॉवल्स होती हैं, उनसे कोई मारे तो एकदम करेंट जैसा फील होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम बैठे होते हैं तो हमारे मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक उस पर चार्ज आ जाता है कपड़ों पर, बॉडी पर, और जब कभी टॉवल मारे जाते हैं टॉवल से जब हम मारते हैं तो अपोजिट चार्ज मिलते हैं, और अपोजिट चार्ज की वजह से जो होता है वो अट्रैक्शन और चिंगारी जैसे करके मिलती है। ब्लैंकेट में भी आप देखोगे कि कभी कभी ब्लैंकेट को हम रगड़ते हैं, या आपने उन्होंने देखा होगा कि जो रेशम का कपड़ा होता है उस पर अगर ग्लास रॉड जो होते हैं वो रब करेंगे तो उस पर भी अलग टाइप का चार्ज आ जाता है। आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ रब करने के बाद में तो वो छोटे छोटे डस्ट वगैरह जो होती है या हेयर्स वगैरह जो होते हैं चिपक जाते हैं थोड़ा। तो ये इस टाइप का जो अट्रैक्शन कहलाता है या इस टाइप का जो होता है फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है हमारा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज उसका बदल जाता है तो सेम टाइप का चार्ज जो होता है वो रिपेल करेगा और अपोजिट टाइप चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से आने वाला चार्ज, ठीक है, या चार्ज आने की वजह से लगने वाला फोर्स, या चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट, अब मैंने कहा आपसे यही चीज मैं आपको लिख रही हूँ, आपने देखा होगा कि आप ऊपर अर्थ क्रस्ट पे रहते हो, ठीक है, जब हम इसको सेंटर की तरफ जाएं, जब हम इसमें सेंटर की तरफ जाएंगे तो इसके तीन लेयर्स हमको क्रॉस करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रस्ट होगा, फिर मेंटल होगा, और फिर उसके बाद में कोर होगा। ठीक है, अब ये क्रस्ट जो होता है वो तो मिट्टी वगैरह का बना हुआ है, प्लांट वगैरह है, एनिमल्स है, सब वहां पर रहते हैं। अब जैसे अंदर जाओगे ना तो ये मेंटल होता है वो दो पार्ट में बना होगा, ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पर चट्टानें हैं, लेयर्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, वाटर टेबल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके और अंदर जाओगे ना ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर कितनी गर्मी और कितना प्रेशर है, यानी कि टेम्परेचर और हीट या फिर टेम्परेचर और प्रेशर इतना जरूर से ज़्यादा है कि पत्थर तक की व्यवस्था बोलते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल के जब अंदर की साइड में हम जाते हैं ये वाला पोर्शन तो ये वाला सॉलिड पोर्शन कहलाता है अर्थ का, और ये ज्यादातर जो होता है वो आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का, मतलब मेटल का बना हुआ है। और इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट के ऊपर तक कुछ दूरी तक एक फोर्स काम करता है। ये फोर्स का मेन काम होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट सब इस सर्कल में प्रेजेंट सब थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आई बात समझ में? मैंने कहा कि अर्थ में तीन पार्ट है, तीन पार्ट में से पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, और तीसरा वाला जो होता है वो कोर है, और कोर जो होता है वो मेटल का बना हुआ है, और मेटल का बना होने की वजह से इसमें एक अलग टाइप का एक फोर्स वर्क कर रहा होता है। ये फोर्स होता है क्रस्ट के कुछ दूरी तक काम करता है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी या रेंज तक काम करता रहता है। इसका मेन काम ये होता है कि ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इस सर्कल में आए हुए जितने भी थिंग्स हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी पुल द सेंटर। मतलब ये एक फोर्स है जो सब चीजों को सेंटर की तरफ खींचेगा, इसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, तो आपने देखा होगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि नीचे से ऑलरेडी फोर्स लगता ही रहता है, कभी वो ऊपर भी उड़ जाती है कि नहीं है? जबकि इस ये जो आपके पास में जो फोर्स वाला दायरा खत्म हो जाता है, आप जहां पर फेंको उड़ जाएगा, यूनिवर्स में चला जाएगा, घूमता रहेगा ऐसे लगातार, कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, कोई फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटेशनल ही नहीं है। ग्रेविटेशनल की वजह से हम अर्थ इस रेंज में आ रहे हैं, और इस रेंज में जो है ये कोर होता है, कोर के थ्रू लगाया गया फोर्स काम कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटर की तरफ पुल कर लिए जाते हैं, और ये पुल
कर लिए जाते हैं, इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आज हम लोगों ने सीखा कि ये फोर्स मींस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना, और ये बैलेंस और अनबैलेंस होते हैं, इनसे शेप चेंज किया जा सकता है, स्पीड चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, मोशन चेंज किया जा सकता है। ये दो तरीके के होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में कौन कौन सा है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, और नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ये सब जो होते हैं वो फोर्सेस मैंने वन बाई वन एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताई दिए हैं। आज आप लोगों को इन सब की डिफाइन वगैरह लर्न करनी है एंड डिफरेंसेस याद करने हैं, और इससे रिलेटेड जो होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं रीजंस पूछे जाएंगे, ये रीजंस वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर के साथ मिलेंगे एक बार।